अब इसके बाद पेट की क्रिया करेंगे। देखो एक एक पैर की उंगलियों से लेते हुए कमर तक आए पेट की। अब एक एक अंग को याद रखोगे, क्योंकि आज तो आज आप लोग मेरे साथ करोगे, इसके बाद कैसे करोगे? चलो पेट की क्रिया करेंगे। सांस निकाल करके पेट को पीठ से सटा दो, एक्सेल करो और पेट बिल्कुल पीठ सट जाएगा। नॉट कपाल बाटी, नॉट कपाल बाटी। Inhale, जैसे बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून फूल जाता है, उसको रोकना है, होल्ड करना है। बैलून में से हवा निकालते हैं तो पिचक जाता है, तो पेट रूपी बैलून में हवा भरना है और निकालना है। एंड होल्ड, नो नो नो, होल्ड एंड देन इनहेल एंड होल्ड, फोर्सफुल नहीं, धीरे धीरे करना है। पेट को फुलाना है, रोकना है, फुला करके रोकेंगे जब तक रोक सकते हैं, और फिर पेट को पिचकाना है और फिर रोकना है। सांस बाहर निकलेगा, एक्सेल होगा, पेट हमारा डाउन जाएगा, होल्ड करेंगे, फिर सांस अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, हमारा पेट आउट होगा और होल्ड करेंगे। इट इज कॉल्ड उदर शक्ति विकासक क्रिया, मीन्स फॉर स्ट्रेंथेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स एज पैंक्रियास, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टमक, पैंक्रियास, स्प्लीन एट्सेट्रा। बस अब एक्सेल करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, होल्ड करेंगे और पेट को अप डाउन करेंगे। होल्ड एंड अप, अप डाउन। अब दोनों हाथ कमर पर रखो, इसी क्रिया को आगे झुक कर करेंगे। बस अब इसी क्रिया को सांस प्रश्वास द्वारा पेट को अंदर बाहर करना। इनहेल होगा, पेट अप होगा, एक्सहेल होगा, पेट डाउन होगा। अंडरस्टैंड? तेजी के साथ, फास्टली, क्विकली। दिस इज नॉट कपालभाति क्रिया, इट इज कॉल्ड उदर शक्ति विकासक क्रिया। या एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, लाइक ब्लैडर। यदि आप कोई पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हैं, इफ एनी पर्सन, एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजॉर्डर, यू कैन डू दिस ऑल उदर शक्ति विकास क्रिया विथ अपान मुद्रा। दिस इज कॉल्ड अपान मुद्रा। अब इसके बाद कौन सा अंग आएगा? अभी हमने छाती की क्रिया कर चुके हैं ना, खड़े होकर के, वक्षस्थल जिसमें हृदय, फेफड़ा, गला, ये सब कर चुके हैं।
अब आपके हाथ बच गया, क्या बच गया? हाथ। तो हाथ में ध्यान रखना। आप जोर से बोल दीजिए ना, जोर से बोल दीजिए ताकि और लोगों को भी समझ में आ जाए। वो माइक नहीं है क्या आपके पास में? यहाँ बैठ कर करो भी और बता दिया करो। अब we are just going to be doing a little bit of the exercises and the asanas. These are for hand and arm and everything. Yes. For the hands, for the arms, shoulders, and we are going to energize these parts. People sitting on the chair can also do it along with us, yeah, along with Dr. G. हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठ जाएं। वैसे हम बोलते भी हैं कि जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, और जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। So he just said that those who sit on the floor, on the land, they become landlords. Those who sit on the chowki means a chair, they become chowkidar, like a gatekeeper. Watchman. Watchman. चलिए हाथ की एक्सरसाइज। बहुत जल्दी जल्दी आपके स्टेप बदल जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनो। पहले हाथ के उंगलियों को मिला करके, फिर हाथ के उंगलियों को फैला करके, फिर मुट्ठी बांध करके, एकदम क्विकली आपके जो चेंज होगा। एक दो तीन, 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 एक दो तीन। मुट्ठी जगह बांधी है, हाथ का उठा अंदर मुट्ठी बांधी है। एक दो तीन, 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 बस रिलैक्स। अब कलाई की हो गई, उंगलियों की, उंगलियों कर लीजिए। बस अब इसके बाद कोहनी की एल्बोस, वी गोना एक्सरसाइज द एल्बोस। इसमें भी उंगली मिलाकर, उंगली फैलाकर, मुट्ठी बांधकर। हियर आल्सो वी डू इट थ्री टाइम्स, फिंगर्स टुगेदर, फिंगर्स अपार्ट, एंड देन विद अ फिस्ट, इट विल गो फास्ट। एक दो तीन, 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 बस। अब जिनको फ्रोजन शोल्डर रहता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए बहुत कुछ सरल आसन है। दिस इज फॉर दोज हु हैव फ्रोजन शोल्डर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सम वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। एक जैसे ब्लैक बोर्ड पर आप जीरो बना रहे हैं, दो तीन, अ बिग जीरो ऑन द ब्लैक बोर्ड, तीन, दो, एक, एक, दो, तीन, तीन, दो, एक, एक, दो, तीन, तीन, दो, एक। अब ये सब आपके, पहले आपने उंगलियों की कलाई की, कोहनी की, भुजबली की, भुजबंद, बाहुमूल, कंधा, इन सब की एक्सरसाइज। एक दो तीन, ये कर लिया ना आप लोगों ने कोहनी की। अब चलो एक दो, वही उंगली मिलाकर, फिर उंगली फैलाकर, तीन, चार, फिर मुट्ठी बांधकर, पाँच, छः,
अब चलो, एक दो तीन चार, अब ये जितनी बार करना चाहो करो, आप सीख लो, क्योंकि ये समय कम है इसलिए जो है एक एक बार हम करा रहे हैं, नहीं तो कम से कम दो दो तीन तीन बार अवश्य कर लेना चाहिए. Because of the time we are only doing one repetition, home you can do two to three repetitions of these exercises. एक दो तीन, एक दो तीन. अब इसी को जिसको पेट कम करना हो ना तो लेट करके कर सकता है इसको, इसी आसन को. Those who want to reduce their tummy, you can do एक lying down. दो तीन, जैसे नौका चला रहे हैं. एक दो, और जरा पेट को कम करना है तो जो ये करके और फिर ये. एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस. अब ठीक उल्टा, दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक. बस रिलैक्स. अब आपके जो है कंधे की एक्सरसाइज रोज करते होंगे आप लोग, कंधे की करते हैं क्या? शोल्डर एक्सरसाइजेस. चलो हाथ की पहले कर लो एक बार, खूब जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना, हाथ को निचोड़ डालो. एक दो तीन चार पांच छः. अब एक बार उंगली मिलाकर, एक बार उंगली फैलाकर मुट्ठी बांधकर. एक दो तीन चार पांच छः. बस अब कंधे की एक्सरसाइज कर रहे हैं. एक दो तीन, मुस्कुराते हुए करो, स्माइल. चार पांच, अब गोल गोल. एक दो तीन चार पांच, पांच चार तीन दो एक. अब एक दो तीन चार पांच, उंगली बदल दो. पांच चार तीन दो एक, एक दो तीन चार पांच, बदल दो. पांच चार तीन दो एक. बस अब साइमल्टेनियस करेंगे. शाहरुख खान से ज्यादा प्रसिद्ध स्वामी जी हैं, उनका नाम नहीं ले रही हो, शाहरुख खान का नाम ले लिया. चलिए तो ये आसन का कार्यक्रम यही हम समाप्त करते हैं. वैसे काफ़ी सारे आसन हैं, दिमाग के लिए है, स्मरण शक्ति के लिए है, मेधा शक्ति के लिए है, बुद्धि शक्ति के लिए, घृति शक्ति के लिए, धारणा शक्ति के लिए है, फॉर मेमोरी, फॉर मेमोरी, फॉर रीजनिंग पावर, फॉर. चलिए प्रार्थना करेंगे.
निसर्गम शरणम गच्छामि योगम शरणम गच्छामि आरोग्यम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि आनंदम शरणम गच्छामि ओम आनंदम ओम आरोग्यम ओम आरोग्यम ओम आनंदम ओम शांति शांति शांति। उपस्थित प्यारे दिव्य स्वास्थ्य साधकगण, देखो हमारे यहाँ जो पेशेंट भर्ती होता है ना, उसको हम रोगी नहीं कहते हैं। पेशेंट को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशेंट को क्या बोलते हैं? रोगी बोलते हैं। लेकिन वास्तव में पेशेंट शब्द का, रोगी शब्द बहुत ही बेकार शब्द है, मैं इसको कभी नहीं कहता। पेशेंट हम उसको बोलते हैं जिसके पास पेशेंस हो। पेशेंस से ही पेशेंट बना है शब्द। मैं शब्दों के साथ खेलता हूँ बहुत ही, उसके कई अर्थ हमारे सामने जो ना, तो कई शब्द तो हमारे संस्कृत हिंदी के इतने स्ट्रांग हैं जो किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, और कई शब्द इंग्लिश में बड़े स्ट्रांग हैं जिसका जो है हिंदी हम खोजते हैं तो मिल नहीं पाता है। तो पेशेंट का अर्थ होता है जिसके पास पेशेंस हो, जिसके पास पैशन हो। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में हमेशा पीएचडी करते रहो। पीएचडी सिर्फ डिक्शनरी से नहीं मिलती, हमारे जीवन से भी मिलती है। और हमारे पीएचडी का मतलब क्या होता है? पेशेंस, पैशन, एच से हम्बिलिटी, ऑनेस्टी जीवन में, और डी से डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। ये जीवन में पीएचडी करते रहोगे, जीवन बहुत ही मधुरता से, आनंद से, उल्लास से, आह्लाद से भर जाता है। तो इसलिए जो है, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यू अंडरस्टैंड? यस। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो, और आज इसी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं जब बोलता चला जाता हूँ तो 3-4 घंटे लगातार बोलता चला जाता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने इस बुद्धि में इतने ज्ञान भर दिए हैं, इतनी रिसर्च भर दिए हैं कि 4-5 घंटा में लगातार। पहली बार हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के बीच हमने 4 घंटा लेक्चर दिया, और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि नई बातें, नई चीज़ें, नई जो है चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनको मिल रही थी। तो इसलिए बहुत ध्यान से मैं सुनिए, क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, ये क्या है? यदि लेक्चर कहेंगे तो इसको हम बोलते हैं अप्लाइड लेक्चर। इसे जीवन के साथ जोड़ना है, जो भी बातें मैं बताऊं जीवन के साथ जोड़ लेंगे तो आप वही नहीं रहेंगे जो आज हैं आप। आपके जीवन में इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, समग्र रूप से जीवन का रूपांतरण होगा। यू अंडरस्टैंड? नो, इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस विद इंटीग्रिटी। This is not just a lecture, an applied lecture, but this is a place where we are here, where Dr. G is going to, you know, with his words and with his wisdom and with his knowledge, he's going to share with us, it's going to be a life-transforming experience. And he says that we need to continue to do our PhD, where he said P is for patience and passion, H stands for humility and honesty, and D stands for determination, discipline, devotion, and dedication. So as long as we have this, we are pursuing our PhDs in our life, we will always be happy and peaceful. He doesn't like to call the clients who come to yoga, he doesn't like to call them as rogi or patients, okay? He says he likes to call them as people who have a lot of patience and passion. health seeker. So we are all seeking different things, but
those who approach him and those who go to him are health seekers. So Dr. Ji was talking about smile and the benefits of smile. So he says that just by smiling we can change the whole chemistry of our body. So when people come to Yogram, you know, they over there, he says the first lesson is everybody has to smile. And then the residents come and say, oh, you know, we are in so much pain, you know, and you are smiling. How can we smile, you know? When you have pain, then you will know. So he was saying when he was recently, he was in California and he had severe toothache. And his host was a dentist and he wanted to fix his toothache. He says, absolutely not. He said, only by smiling and only whatever, you know, he's practicing, without any medication or without any intervention, he was able to fix his toothache. So he's saying, even despite the pain, you know, one can still smile. Smile is something which is so powerful, but yet we don't use it. And this is the gift we have from God, our creator, but we absolutely are not using it. And he says that it completely changes. It's as good as morphine, you know. It's as good as for the body naturally producing morphine. You know, that is the effect of a smile. And he says it's for free. Let us not be misers when it comes to smiling. And he talked about a case in Pune where a mother who was sitting with a 3 or 4 year old little boy and teaching him, and then she got so angry, she started beating this child, that this child died. So what happens is when we are smiling, we have actually merged with the consciousness of the divine, that deity like Rama or Krishna or Shiva or Buddha. Similarly, when we are angry, then our consciousness gets merged into the consciousness of Hitler, Aurangzeb, Genghis Khan, you know, those kinds of personalities. Devil consciousness, evil consciousness. Yeah, the demonness, you know, like Ravan. So it is really very important to have this conscious smile that Dr. Ji is talking about. Khair, uski byakhya hum matlab. To ye hum bata rahe the ki bhai, बहुत मुश्किल से मनुष्य का जन्म हुआ है और हम मनुष्य बने हैं और उसमें भी मुस्कुराहट ने अजीब गिफ्ट दिया है परमात्मा ने हमें, तो इसका उपयोग करना चाहिए. हर परिस्थिति में मुस्कुराइए और मस्त रहिए, और तकलीफ हो तो भी मुस्कुराइए, और फिर देखिए तकलीफ से लोहा लेने कैसी क्षमता बढ़ जाती है. एक बहुत सुंदर एक सूत्र और दे रहा हूँ कि मीठी बांसुरी की मस्ती से सीख ले जिंदगी, मधुर बंसी की मस्ती से सीख लिए जिंदगी, लाख सीने में जख्मी सही फिर भी गुनगुनाती है जिंदगी, मुस्कुराती है जिंदगी. बंसी के सीने में जख्म है ना, तभी तो उससे आवाज निकलती है, और आवाज ही नहीं निकलती है बल्कि प्यारे कृष्ण के होठों से लग जाती है, प्यारे कृष्ण का प्रेमी है. तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि मुस्कुराओ हर पल हर क्षण, हर अदा में मुस्कुराओ. इस मुस्कुराहट को जीवन के साथ जोड़ दो. मुस्कुराओ, ऐसे क्यों बैठी हो? इसको समझ भी नहीं आता. स्माइल, ए स्माइल विद लव. डोंट टेक योर स्माइल ऑफ, कीप इट ऑन. यू सेड दैट द ब्रेकफास्ट इज वेरी लाइट, यू एक्सप्लेन राइट. नॉर्मली आई हर्ड लाइक ईट लाइक अ किंग इन द ब्रेकफास्ट एंड ईट लाइक अ सोल्जर फॉर लंच एंड स्टार लाइक अ बिगर इन द नाइट. ये अमेरिका का सूत्र है ये, और इसीलिए अमेरिकन सबसे ज्यादा समस्या, ये जितने सूत्र ना अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ के 25% बच्चे जो ना बिल्कुल फैलते जा रहे हैं, मोटापा सबसे बड़ी समस्या हो गई है. तो इसलिए जो है ना सुबह हमारा जो जठराग्नि है, हमारा जो कुछ है सूर्य के द्वारा संचालित होता है. सूर्योदय होता है तो हमारे जठराग्नि का उदय होता है, इसलिए हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं, अल्पाहार बोलते हैं, है? कम खाना है, कम कैलोरी, क्योंकि सूर्य अभी उदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो आपकी जठराग्नि भी उदय हो रही है. दोपहर में सूर्य प्रचंड होता है दोपहर में सूर्य की किरणें प्रचंड है, मार्तंड प्रचंड मार्तंड की किरणें जो हमारी जठराग्नि को और बढ़ा देती हैं, तो उस समय डट करके खाओ. और शाम को सनसेट हो रहा है तो उस समय भी आप सनसेट के समय कम से कम आहार लो, हल्का आहार लो. ये क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उस हिसाब से ये नियम है, ठीक है ना? तो ये समझो
कि भाई सुबह हमें अल्पाहार लेना है, दोपहर में डट करके खाना खाना है, तो सुबह फल और दूध। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, अब जैसे मैं दिल्ली में था, आपको बताऊं दिल्ली में प्रायः जो लोग आते थे, दिल्ली वाले हैं कि नहीं कोई इसमें, दिल्ली वाला कोई है? तो दिल्ली में जो है प्रायः हम देखते हैं कि सुबह जो है ना, प्रायः उनके किसी न किसी, उनका लीवर जरूर खराब मिलेगा, किसी को हिपेटोमिगली मिलता है, किसी का लीवर भरा हुआ मिलता है, किसी के स्लगिस लीवर मिलते हैं। तो उसका मैंने कारण ढूंढा कि भाई क्या कारण है कि दिल्ली वालों के लीवर जो है ना ये होता है अधिकांशता जो है। तो हमने देखा कि वहाँ के लोग प्रायः सुबह नाश्ता जो ना पराठा जरूर करते हैं। अरे अभी हमारा जठराग्नि प्रदीप्त हुई नहीं कि लेकर उस पर आपने लेकर बोझ डाल दिया, वो लीवर कितना दुखी हो जाता है कि किसके भले परे हैं, किस पल्ले परे हैं, हैं? इसको थोड़ा सा भी होश नहीं है कि मेरे साथ इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है। तो इस प्रकार से ना जो फैटी लीवर हो जाता है, तो ये जो है ना सबसे बड़ा सुबह सुबह हलवा पूरी खाने का कारण होता है, सुबह सुबह पराठे खाने से होता है। तो इसलिए, और इतना ही नहीं, यदि कोई गृहिणी हमारे यहाँ लेक्चर सुनकर के जाती है, वो घर पर पराठा नहीं बनाती है, तो ऐसे लोगों ने मिल करके ही चांदनी चौक में पराठे वाली गली बना दिया, वहाँ पराठे खाने के चले जाते हैं, है ना, चांदनी चौक में पराठे वाली गली। तो इसलिए जो है अपने लीवर के ऊपर थोड़ी कृपा करो। The answer to your question was that the seeds of the tomatoes सीड, यदि देखो सीड को ऐसा, मैं कहा ना कि मैं स्वयं आपके सामने जीता जागता उद्धरण हूँ कि आज 22 साल से मैं सुबह टमाटर ही नाश्ता करता हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आपके, क्योंकि सीड ठीक है आपका कहना, सीड में ही ऑक्जेलिक एसिड होता है जो कैल्शियम से इंटरेक्शन करके ऑक्जिलेट बनाता है, जो पथरी का कारण बनता है, किडनी का कारण बनता है, किडनी प्रॉब्लम का। तो ऐसी स्थिति में यह है कि सूप बनाकर पियो, उसका सीड निकल जाएगा, सूप में छन जाएगा। तो इस प्रकार से उसका जो है उपयोग आप कर सकते हो। और ध्यान रखो कि जब टमाटर जो है ना हरा रहता है ना, ग्रीन होता है ना, उसमें ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा होता है, जो पक जाता है तो उसके ऑर्गेनिक एसिड बहुत कम हो जाता है, 0.004 मिलीग्राम होता है, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। नहीं, फिर भी मन में भ्रम न रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू हेल्थ, यू कैन आस्क हियर। आपको समझी मैं जो बोला? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ वी कैन आस्क नाउ। But before that, I just want to make an announcement. What is the announcement? No, like, you can get the number if they want. So, again, Dr. Nageda Neeraj-ji is going to be here in Dallas until Tuesday. So, if you are interested, and especially yoga teachers, researchers on health, alternate healers, are welcome to participate and be with Dr. Neeraj. He's staying at Nitin Bhaiya's house. So not if you thing all day or no, please call. That is why, please, if you are interested, please call Gomati at 9, you can write this number, 972-955-955-0590. I'll repeat this number again. This is Gomati's number, 972-955-0590. Or you can call Koteshwari ji. Okay, nobody. Or you can also, yes, you can also call me. I'm also here with Gomati, so you can also reach me if Gomati's phone is busy. My number is 612-750-6811, and I'm Prema Mysore. I'm visiting here from Minneapolis. So you can either call me or you can call Gomati. And we can give you more details about what else is happening in tomorrow and the day after. Translate the last leg, what he said in English. The last piece.